शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बस, बस क्या लगता है तुम्हें कि बस तुम अच्छी और हम सब बुरे? बहुत बोल चुकी, अब और नहीं। इस महल के जो नियम हैं वो नहीं बदल सकती तुम। कनक हटाओ ये मूर्ति यहां से। जी रानी माँ। नहीं, ये मूर्ति यही रहेगी। अगर आप इस मूर्ति को हटाना चाहते हैं तो मुझे भी इनके साथ जाने दीजिए। आप लोगों के लिए ये भले ही एक मूर्ति हो पर मेरे लिए ये मेरी शक्ति है, मेरी माँ है, मेरा सब कुछ है। रुक जाइए, रहने दीजिए इस मूर्ति को यहीं पर। क्या कह रहे हैं आप अतिराज? माम ठीक ही तो कह रहे हैं। इस मूर्ति के यहाँ रहने या ना रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रहने दीजिए इस मूर्ति को यहीं पर। माँ को हमारी बात अच्छी नहीं लगी। देखना, तुम्हें भी एक दिन अंबे माँ की भक्ति और शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। अधिराज भी उस लड़की की भाषा बोलने लगा है चंद्रलेखा। माना कि उस मूर्ति के रसोई में रखने से हम पर कोई खास असर नहीं होगा, पर सोचो चंद्रलेखा, जब जब वो लड़की आरती और पूजा करेगी तब तब हमारा क्या हाल होगा? हम सब शक्तिहीन हो जाएंगे। जल्दी से कुछ करो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा बेटा उस लड़की के नाम की माला जपने लगे। चिंता तो मुझे भी हो रही है मंदाकिनी, मगर ये समय चिंता करने का नहीं, समस्या का समाधान ढूंढने का। और रही बात अधिराज की, तो बचपन से मैंने उसके मन में इतना जहर डाला है कि उसे निकालना किसी के बस की बात नहीं। बस मुझे ये नहीं पसंद कि चिंता से मेरे माथे पर भी लकीरें पड़ने लगे। ये चिंता की लकीरें उस लड़की की वजह से है ना तुम्हारे माथे पर चंद्रलेखा, तो तुम उसे खत्म क्यों नहीं कर देती? करूंगी, और अधिराज और कनक का विवाह भी होगा। कि मेरे लिए मेरे लक्ष्य से बड़ा कुछ भी नहीं। पर विवाह का वो असाधारण मुहूर्त वो तो निकल चुका है ना चंद्रलेखा? वो मुहूर्त फिर से आएगा, मैं लेकर आऊंगी उसे अपनी शक्ति और साधना से। देख लेना मंदाकिनी, मैं अपने लक्ष्य को पाकर रहूंगी। मेरा बस एक ही लक्ष्य है, अधिराज से विवाह करके सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बनना। उस लड़की ने बीच में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस जान से चेहरे पर गुस्से का ग्रहण क्यों लगा रही हो कनक?
तुम्हारी ये अदा, तुम्हारी हर एक अदा मेरे हृदय में तीर की तरह चुभती है। बेकार की बातें करना बंद करो, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितनी परेशान हूँ। अब अधिराज से दिल लगाया है तो परेशानी ही होगी ना। इसलिए किसी ने कहा है कि हमेशा प्रेम और जंग बराबरी वालों से ही करनी चाहिए, और ये भी कहा है कि अपनों के पैर नहीं बांधने चाहिए। तो खोलो अब। ठीक है, पर तुम मुझे अकेला छोड़ दो। अगर तुम चाहो तो अपनी गलती सुधार भी सकती है। अधिराज की जगह किसी होनहार, प्यार करने वाला खूबसूरत लड़के को अपने पति के रूप में चुन सकती हूँ। आज अगर अधिराज बीच में नहीं आता तो उस लड़की को मैं वहीं मार देती। पर कोई बात नहीं, मरना तो उसे है ही, वो भी बहुत जल्द। तुम जानती हो अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अपने आज तक की तपस्या और काली विद्या के प्रयोग से मैं समय को बदल दूंगी और मन चाहा मुहूर्त लाऊंगी, क्योंकि मुझे परम शक्तिशाली बनना है। इस यौवन को कभी ढलने नहीं देना है। नंदाकिनी, तुम बस साधना की तैयारी में लग जाओ, बहुत जल्द अधिराज और कनक का विवाह होगा। और रही बात उस लड़की की, तो आज उसे समझ में आ जाएगा कि चंद्रलेखा से उलझना कितना महंगा पड़ा है उसे। हाँ चंद्रलेखा, इस साधना के आरंभ होने से पहले इस लड़की की कहानी का अंत करना बहुत जरूरी है। हाँ चंद्रलेखा। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हारे घाव पर लेप लगाने। लेप लगाने आई हो या हमारी जिंदगी में जहर घोलने? जाओ यहाँ से। हम तुम्हारी चालाकियों में फंसने वाले नहीं हैं। छोड़ो इसे, छोड़ो। हमने कहा छोड़ो हमारा हाथ, छोड़ो। तेरी भूख के कारण मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। कोई है यहाँ पर? किसी को परवाह भी है कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया? जाओ जाकर हमारे लिए भोजन लेकर आओ। फिर से? नहीं नहीं नहीं, लगता है हमारी इस भूख और उस घमंडी लड़की दोनों ने हमारे दिमाग पर कब्जा कर लिया है। आपका भोजन। ए, सुनो लड़की, एक तो हमारे ख्यालों में आना तुम बंद करो, समझी? क्या? तुम्हारे ख्यालों में आने से बेहतर है मर जाना। तुमने कहा खाना बनाना है, मैंने बना दिया और परोस कर भी लाई। मेरा काम खत्म। काम खत्म नहीं, हम तुम्हारा काम तमाम करना चाहते हैं। और तुम्हें किसने कहा था हमारे लिए भोजन लाने को? इस महल के सारे दास दासियां मर गए थे क्या? और तुमने सोचा कैसे कि तुम जैसी मामूली दासी राजकुमार अधिराज के कक्ष में पैर भी रख सकती है? और वैसे भी हम तुम्हारा परोसा हुआ खाते भी नहीं। वाह, बनाया हुआ खाना खा सकती हूँ पर परोसा हुआ नहीं। खा लो, भोजन का अनादर नहीं करते, उस पर से माता रानी का भोग है। तुम्हें पता है मेरी नानी क्या कहती है? भोजन खाने से गुस्सा कम होता है। खा लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। भोग हो या भोजन, हमें तुम्हारे हाथों से कुछ भी नहीं चाहिए, समझी तुम? जाओ यहाँ से। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। स्वादिष्ट भोजन है, ऐसा भोजन तो हमने कभी नहीं खाया।